कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साहिबगंज से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राज्यभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, वर्षों से लंबित पड़े हजारों वादों का हुआ निपटारा, करोड़ों रुपए के राजस्व की भी हुई प्राप्ति। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में एक पारी और 132 रन से किया पराजित। तीसरे दिन ही कंगारुओं ने टेके घुटने, दूसरी पारी में 51 रन पर ही ऑल आउट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नई कर व्यवस्था से लोगों के पास अधिक नकदी की उपलब्धता बनी रहेगी। रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की बैठक को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस कर व्यवस्था का मूल उद्देश्य मध्य वर्ग पर कर का बोझ कम करना है। Even in your fraternity, who tell me that I've done this to pep up consumption. On the other, there are some among y'all who say that this might hurt saving and therefore investments. A simple step towards giving more money in the hands of particularly the middle class, particularly the income brackets that have... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए गठबंधन के सहयोगियों पर राज्य के विकास को पीछे ले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के साथ त्रिपुरा के विकास की रफ्तार तेज की गई है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने त्रिपुरा को भयमुक्त किया है। क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? भाजपा सरकार ने डर, भय और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। तीन तीन दशक तक त्रिपुरा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से राजस्थान और कर्नाटक के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3 बजे दौसा पहुंचकर 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली देश की सड़क विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस खंड से दिल्ली से जयपुर की यात्रा लगभग 5 घंटे से घटकर 3.5 घंटे हो जाएगी। दिल्ली दौसा लालसोट खंड को 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 1,386 किलोमीटर है, ये एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इससे दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा की दूरी 1,424 किलोमीटर से घटकर 1,242 किलोमीटर रह जाएगी। साहिबगंज में बड़हरवा प्रखंड के गुमानी हाई स्कूल मैदान में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने गौतम अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार की तारीफ की और कहा कि राज्य सरकार लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और राज्य सरकार में मंत्री बादल, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, हफीजुल अंसारी और राजमहल सांसद विजय हांसदा और पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पार्टी भी उनके सामने कुछ नहीं, जो नेता उनको आगे बढ़ाए वो भी कोई बात नहीं है।
रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का चुनावी परिदृश्य साफ होने के बाद अब प्रशासनिक तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। यहां 27 फरवरी को मतदान होना है। इस सिलसिले में आज उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम का प्रथम सप्लीमेंट्री रेंडमाइजेशन किया गया। उपायुक्त ने आज पुलिस क्लस्टर और विभिन्न मतदान केंद्रों का पुलिस अधीक्षक के साथ जायजा लिया। इस दौरान उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के आज रांची पहुंचने पर राजद कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि पिता लालू प्रसाद के स्वास्थ्य कारणों और बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के कारण लंबे अंतराल के बाद वे झारखंड आए हैं। श्री यादव ने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के जिस दल की स्थिति अच्छी है उसे वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। स्वस्थ है और बिहार में जिस प्रकार से फेरबदल हुआ सरकार की, तो हम लोगों की व्यवस्था जो थी वहाँ थी, इस कारणवश जो है मौका नहीं मिल पाया और जिम्मेवारी भी रहना इसी के लिए है ना। नीचे अरे आपका हम लोग जो है शुरुआत से जो है हम लोगों की कोशिश है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी तेजस्वी यादव ने औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनके बीच विकास से जुड़े कई विषयों पर विचार विमर्श हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, बिहार विधानसभा के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री श्याम रजक, सुरेश पासवान और पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव भी इस मौके पर मौजूद थे। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। श्री नीरज सिन्हा का आज अंतिम कार्य दिवस था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री सिन्हा को शॉल और मोमेंटो प्रदान कर उन्हें लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में आपका लंबा कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। आपके कार्य और अनुभव का लाभ यहां के पुलिस बल, आम जनता और राज्य को मिला है। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को आज रांची स्थित जैप वन परिसर में विदाई दी गई। राज्य सरकार ने नए डीजीपी के नाम पर अब तक निर्णय नहीं लिया है। हालांकि नए डीजीपी के पैनल में 3 आईपीएस शामिल हैं। इधर जैप वन ग्राउंड में आयोजित विदाई समारोह में पुलिस के जवानों ने पुलिस महानिदेशक को सलामी दी। इस दौरान डीजीपी ने अपने कार्यकाल के अनुभवों को साझा किया। उस क्षेत्र को भी उसी तरह क्लियर कर दिया जाए जैसे बूढ़ा पहाड़ को किया गया। नहीं हुआ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो योग्य और कर्मठ और हिम्मती अनुज हैं पुलिस विभाग में, वो जरूर हमारी इस अभिलाषा को पूर्ण करेंगे और वह क्षेत्र भी उसी तरह उग्रवादी गतिविधियों से मुक्त होगा जैसे बूढ़ा पहाड़ हुआ। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई भाजपा नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी का संपूर्ण जीवन त्याग और बलिदान का रहा है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को पूरा करने के लिए भाजपा कटिबद्ध है। जिलों में स्थित भाजपा कार्यालयों में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हमारे फिलोसफर जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था, जिन्होंने पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के साथ देश के समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए या उन्होंने संबंध क्या होनी चाहिए, इसके लिए
आज पंडित दीनदयाल जी के पुण्यतिथि को हम सब लोग समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ के साथ हमारी विचार क्या होगी इसका भी प्रतिपादित उन्होंने किया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने विपक्षी दलों कांग्रेस, झामुमो और राजद पर तीखा प्रहार किया है। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति की गरिमा पर भी चोट करना नहीं छोड़ते। श्री प्रकाश ने कहा कि राजद फिर से झारखंड में जमीन तलाश रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर उदासीन है। छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार के पहल नहीं होने के कारण कोई भी यहां से योजना नहीं भेजी गई। इसी प्रकार से शुद्ध नल से जल, शुद्ध पानी नल के माध्यम से पहुंचाने का हर घर में, उसके बारे में रिकॉर्ड है, लेकिन आज इन विषयों को नहीं बोलेंगे नहीं तो ये विषय दब जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने लोकसभा में बताया कि देश के 29 राज्यों के 238 शहरों में 5G सेवा शुरू हो गई है। रांची सांसद संजय सेठ के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि झारखंड के 1367 गांव में अभी 4G की सेवाएं शुरू नहीं की गई है। विशेष परियोजना के तहत इन गांवों को 4G की सेवाओं से जोड़ने का काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चतरा के 155, पलामू के 129 और रांची जिले के 4 गांवों को इंटरनेट की सुविधा नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि BSNL द्वारा जल्द ही 4G की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। रांची में प्रस्तावित G20 समिट को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। उपायुक्त के निर्देश पर शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। इस क्रम में सड़कों पर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों और झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का काम मुस्तैदी से चल रहा है। आज के अभियान में हिनू चौक के किनारे अवैध दुकानों को प्रशासन की मदद से हटाया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाला वांछित अपराधी सन्नी सिंह उर्फ ऋषभ सिंह को रांची पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। SSP कौशल किशोर ने मीडिया को बताया कि यह अपराधी व्यवसायियों को फोन पर पैसे की डिमांड करता था और नहीं देने पर उन पर हमले करवाता था। पुलिस ने अपराधी के पास से अपराध में प्रयुक्त कई मोबाइल फोन बरामद किया है। रांची पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके खिलाफ स्थायी वारंट भी निर्गत था और कुछ दिनों पूर्व इसकी कुर्की भी की गई थी इसकी संपत्ति की। कुल मिलाकर अगर देखें तो इसके विरुद्ध लगभग 22 मामले दर्ज हैं, जो न केवल रांची के हैं बल्कि कुछ मामले बोकारो जिले के भी हैं, कुछ मामले पश्चिम बंगाल से भी संबंधित हैं। अगर अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान में गढ़वा पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने डंडा थाना क्षेत्र से एक महिला की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 4 पिस्टल, 1 राइफल, 3 देशी बंदूक और मोबाइल समेत कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इमेटली कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में के समय जो इन लोगों ने वर्दी पहना हुआ था और जो हथियार लाए थे उसको भी हम लोग बरामद कर पाए हैं। और मुख्य रूप से जो हत्या का कारण जो अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि इन लोगों को ऐसा लगता था कि मृतक के पास हनुमान पाई है और वो काफ़ी कीमती ये लोग मानते थे और उसे हासिल करने के उद्देश्य से ही इसकी हत्या की गई है। 7 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और कुल 8 हथियार बरामद किए गए हैं, साथ में कारतूस और गन पाउडर भी बरामद किया गया है। राज्यभर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के जरिए राज्यभर के व्यवहार न्यायालयों में विभिन्न वादों का निपटारा किया गया। इस दौरान आपसी समझौते के फैसलों पर न्यायालय द्वारा मुहर लगाई जाती है। यह एक निशुल्क प्रक्रिया है जिसका कोई भी व्यक्ति फायदा उठा सकता है। झारखंड उच्च न्यायालय और झालसा के निर्देश पर पूरे राज्यभर में इसका आयोजन किया गया।
जीएम फर्स्ट क्लास, वन लिटिगेट के ऑफ 498A एंड गढ़वा व्यवहार न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दर्जनों लोगों ने रक्तदान कर रक्तदान महादान का संदेश दिया। गढ़वा व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह की पत्नी रेणु सिंह ने भी रक्तदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से दानकर्ताओं के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता, मगर दूसरों की जान बच जाती है। किसी इस ब्लड डोनेट करने से किसी का जीवन बचता है, किसी की रक्षा होती है, तो ब्लड देना अच्छा है और सभी को आगे आके ब्लड डोनेट करना चाहिए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह ने कहा कि इस रक्तदान शिविर का मकसद लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। समाज को और सभी वर्गों को, लोगों को जागृत करना चाहते हैं कि खून दान करने से, ब्लड दान करने से दान करने वाले का कुछ नहीं जाता है, लेकिन ब्लड मिल जाने से एक आदमी को जिंदगी बचा सकते हैं। गढ़वा व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित इस रक्तदान शिविर में कई अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया और यह संदेश दिया कि आपके थोड़े से रक्त से किसी औरों की बच सकती है जान। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। सहकारी मंडल की सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज झारखंड के दौरे पर आ रही हैं। उनका रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग में कार्यक्रम निर्धारित है। रांची के शहीद मैदान में 18 फरवरी को उनका कार्यक्रम होगा। संत निरंकारी मंडल के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के मीडिया प्रभारी प्रभात रंजन ने बताया कि इस संत समागम में 10,000 से अधिक भक्तों के जुटने की उम्मीद है। को मानव से जोड़ने का प्रयास करता है, कहीं कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के यहां पर धार्मिक भावना को लेकर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गढ़वा सदर अस्पताल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने हृदयघात से पीड़ित एक मरीज को थ्रम्बोलाइसिस उपचार कर नई पहल की है। इस विधि से हृदयाघात के मरीज को खून में बने थक्के को गलाकर रक्त पतला किया जाता है। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज तहरून बेबी को 3 डिग्री का हृदयघात आया था, जिसे अस्पताल के डॉक्टर्स ने थ्रम्बोलाइसिस विधि से इलाज किया और मरीज जब स्टेबलाइज हो जाएगा तब हम लोग उसको जो है हायर सेंटर भेजेंगे ताकि उसकी एंजियोग्राफी हो सके और जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है उसका पता लगा करके स्टेंट या जो अन्य जो उपचार है। गोड्डा जिले की पुलिस एवं उत्पाद विभाग ने शराब के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 1700 शराब की पेटियां बरामद की हैं। इनमें अधिकांश शराब की पेटियों में नकली शराब पाई गई है। SDPO ने बताया कि शराब के अवैध कारोबार की सूचना मिलने पर बिहार की पुलिस एवं गोड्डा पुलिस अधीक्षक की संयुक्त कार्रवाई में अमरपुर गांव के बड़गढ़ा टोला में छापेमारी की गई। पुलिस ने बताया कि गांव के कुछ व्यक्ति घर के पीछे बने गोदाम में शराब का अवैध कारोबार करते थे। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा आज कई जगहों पर रेल चक्का जाम किया गया। इस वजह से कई जगहों पर रेल परिचालन पर आंशिक असर पड़ा। आदिवासी सिंगल अभियान की यह मांग है कि मरांगबुरु पारसनाथ पहाड़ को आदिवासियों को वापस किया जाए। पूर्व सांसद और सिंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि मरांगबुरु बचाओ भारत यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगें मान नहीं ली जाती। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के दुबिया खांड में 2 दिवसीय राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला की आज शुरुआत हुई। मेले का उद्घाटन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, उपायुक्त ए दोड्डे, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा और उप विकास आयुक्त रवि आनंद ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। श्री ठाकुर ने कहा कि यह मेला आदिवासियों के उत्थान के लिए है। मेला परिसर में कई स्टॉल लगाए गए हैं जिसके माध्यम से
लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मेले का समापन 12 फरवरी को होगा। मंत्री होने के बावजूद सारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हमने किया और इस मेला में शामिल हुआ, क्योंकि मैं जिस राजनीतिक दल से हूं, जिसकी नींव ही आदिवासियों के विकास, उनके हितों अधिकारों की रक्षा की सोच के तहत रखी गई। आईएसएम धनबाद की टीम ने आज जिले के सुदूरवर्ती टोंडी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जटाखूंटी के 250 से अधिक विद्यार्थियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता बताई। टीम ने बच्चों के बीच कठपुतली शो के माध्यम से कई कार्यक्रम किए। टीम ने बच्चों को मौसमी जलवायु की जानकारी भी दी। नागपुर के जामथा क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला पारी और 132 रनों से जीत लिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 फरवरी से दिल्ली में खेला जाएगा। आज भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 91 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट हासिल किए। मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। इससे पहले भारत की पहली पारी 400 रन पर समाप्त हुई। ऐसे में मेजबानों को पहली पारी में 223 रनों की बढ़त मिली थी। कोलकाता में 14 से 18 फरवरी को आयोजित होने वाले 43वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स गेम्स में भाग लेने के लिए हावड़ा हटिया एक्सप्रेस से कल झारखंड की टीम कोलकाता के लिए रवाना होगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रखर राष्ट्रवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। जमशेदपुर जिले की टेलको थाना पुलिस ने गाड़ी चोरी मामले का उद्भेदन करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में थाना प्रभारी रणवीर सिंह ने एक टीम का गठन किया था। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक की गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जामताड़ा एवं कर्माटांड थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुमला उपायुक्त ने मुरकुंडा स्थित राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय और ढिढौली में उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाइब्रेरी तथा विज्ञान प्रयोगशाला का अधिकाधिक सदुपयोग बच्चों द्वारा कराने के निर्देश दिए। सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक द्वारा ई बीट पुलिसिंग सिस्टम के तहत रक्षक एप्लीकेशन के प्रयोग की शुरुआत की गई। इस एप्लीकेशन के माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों द्वारा चिन्हित स्थानों पर QR कोड को स्कैन किया जाएगा। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप ने आज समाहरणालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उपायुक्त ने फरियादियों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल भी किए। लातेहार पुलिस एवं परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान को मिशन मोड में चलाया जा रहा है। यातायात नियमों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक ही दिन में 317 गाड़ी चालकों से कुल 4,04,500 रुपये की वसूली की। चाईबासा में अमृत महोत्सव 2 के अंतर्गत संचालित जिला स्तरीय वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल ट्रांजेक्शन अभियान का उपायुक्त ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सखी मंडल की दीदियों को डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया से जोड़ने और ऑनलाइन सेफ्टी के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। पलामू जिले के रेहला थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों को CHC विश्रामपुर के डॉक्टर मुरली मनोहर एवं उनकी टीम के द्वारा फर्स्ट एड के बारे में तथा मरीजों को बचाने के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी दी गई।
पलामू सांसद बीडी राम ने भाजपा एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्या का स्वागत किया। इस अवसर पर दुबिया खांड में राजा मेदनी राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। राज्य में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं खूंटी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बदलाव के आसार नहीं है, लेकिन उसके बाद अगले तीन दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.7 और न्यूनतम तापमान 13.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। ग्यारह फरवरी साल 1990 को नेल्सन मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली थी। मंडेला को जून 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इनकी शुमार दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में होती है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद इन्होंने शांति बहाल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 1990 में विश्व शांति में अतुलनीय योगदान के लिए मंडेला को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया। साल 1963 में इन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 फरवरी साल 1847 को महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म अमेरिका के ओहायो में हुआ था। साल 1878 में एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। साल 1880 में एडिसन को इसका पेटेंट दिया गया। उनके सबसे बड़े आविष्कारों में से एक बिजली के बल्ब के आविष्कार में ये 10,000 से अधिक बार असफल हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एडिसन को अपने जीवन काल में कुल 1,093 पेटेंट मिले थे, जो उनकी कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर के क्षेत्र में भी कई आविष्कार किए थे। जमशेदपुर में टाटा कंपनी एक पार्क का निर्माण करवा रही है, जिसमें आपको हजारों साल पुरानी कला के माध्यम से फूड चेन को देखने का अवसर मिलेगा। बन रहा यह छोटा सा पार्क कालजयी होगा। दरअसल इस छोटे से पार्क के एक तरफ एक विशाल चट्टान है, जिसे टाटा कंपनी ने अनोखे सोच के साथ हजारों साल पुरानी कलाकृति से सजोने का काम किया है, जिसमें फूड चेन प्रदर्शनी प्रदर्शित की जा रही है। इस चट्टान को बंगाल से आए चित्तो डे और उनकी टीम द्वारा इन फिटू रोक टार्विंग से तराशा जा रहा है, जिसे प्राचीन काल में शिलालेख के नाम से जाना जाता था। फूड चेन मतलब ये मान लीजिए, ये जो आउल है, आउल खाता है चुहा को, चुहा खाता है पेड़ को, अगर चुहा को आउल नहीं खाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक को किया संबोधित, कहा नई कर व्यवस्था से लोगों के पास अधिक नकदी की बनी रहेगी उपलब्धता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साहिबगंज से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की, केंद्र सरकार पर साधा निशाना।